dear students, I am your mini teacher again from Smart Indian Model School. तो बच्चों, आज हिंदी की क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वनाम, ठीक है? मैं आपको आज बताऊंगी कि सर्वनाम क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। बट उससे पहले हम एक बार पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होती है। बच्चों, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कैसे कहते हैं ये देखिए, कौन है ये? ये एक लड़की है, तो लड़की क्या हुआ? लड़की हुआ संज्ञा। ये क्या है? ये है एक टोपी, और टोपी भी किसी का नाम है, तो नाम शब्द मतलब संज्ञा। उसके बाद में बच्चों ये देखिए, ये है छाता, और छाता क्या है? क्योंकि छाता भी किसी वस्तु का नाम है, तो ये भी होगा संज्ञा। और बच्चों ये देखिए, मैम की टेबल पे क्या रखा हुआ है? ये है फूलदान, जिसे कहते हैं गुलदस्ता, ये भी किसी चीज का नाम है, तो ये भी क्या हुआ? संज्ञा, यानी कि नाम शब्द। अब मैं आपको बताऊंगी कि सर्वनाम क्या होता है। बच्चों देखिए, ध्यान से देखिए बोर्ड पर, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, कोई, वह, आप, हम आदि। अब आप देख रहे हैं कि इन सारे शब्दों में किसी का भी नाम नहीं है, केवल हम नाम शब्द की जगह इन वाले शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अब आप आगे देखिए, कैसे पता लगेगा हमें? जैसे हमने एक वाक्य लिखा, सीता गांव जा रही है, सीता ने सामान बांध लिया है, सीता बड़ी बहन के साथ गांव जा रही है। तो बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा नाम है ना, वो बार 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 आ रहा है, और पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब आप देखेंगे कि मैं नाम शब्द को किस प्रकार से सर्वनाम में बदल दूंगी। फिर आप जब उन वाक्यों को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ आपको सर्वनाम शब्द भी दिखाई देंगे। निकल जाओ। अब बच्चे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे सारे नाम शब्द आ रहे थे ना हर एक वाक्य में, अब मैंने उसको सर्वनाम शब्दों में बदल दिया है। कैसे? देखिए, सीता गांव जा रही है, उसके बाद मैंने यहाँ सीता ना लिख के मैंने लिख दिया उसने सामान बांध लिया है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो उसने है ना, ये सर्वनाम है, ठीक है? उसके बाद में आप देखिए, यहाँ पर मैंने सीता को हटा के लिख दिया, वह बड़ी बहन के साथ गांव जा रही है। तो अब आप देखेंगे ये भी एक सर्वनाम है। तो बच्चों, नाम शब्द की जगह हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, वह सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है? अब जैसे ये देखिए, मैं हूं, मैं अपने लिए अगर आपको बताऊंगी तो मैं यही तो बताऊंगी कि मैं टीचर हूं। अब ये जो मैं आया, ये सर्वनाम आया, ठीक है? अगर मैं ये कहती कि शालिनी टीचर है, तो शालिनी कौन था? नाम शब्द था, बट मैंने शालिनी नाम ना बोल करके मैं यूज किया, तो मैं क्या हो गया? मैं हो गया सर्वनाम। उसके बाद ही अगर मैं ये कहती कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम जो था ना, वो एक सर्वनाम था। अगर मैं उस व्यक्ति का नाम लेके कहती कि राधा जा रही है, तो राधा क्या था? नाम शब्द था। तो बच्चों, इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे सर्वनाम शब्दों को प्रयोग करते हैं। जैसे अब ये देखिए, ये लड़की है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ सर्वनाम। होप कि आपको सर्वनाम समझ में आया होगा। बच्चों, गुड बाय एंड टेक केयर।